हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्स की दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आपका फोन में रोज 1.5 GB मिलता है या 2 GB मिलता है तो थोड़ा बहुत नेट यूज करने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने 50% यूज कर लिया। तो आप कभी कभी शक में होता हो कि आप इतना जल्दी MB कैसे खत्म हो जाता है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा टाइम निकल के दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तब जाके जो है आज के बाद आपका MB इतना जल्दी खर्चा नहीं होगा, आप दिन भर 1.5 GB यूज कर सकते हो। तो कैसे, ध्यान से देखना। तो फिर से दोस्तों आपको स्वागत करता हूं आपका ही यूट्यूब चैनल एप्स की दुनिया में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना नमस्कार चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि अभी वीडियो का मेरा जो फोन है, फोन का स्क्रीन देख रहे हो, तो अभी मेरे इसमें जैसे जैसे कहूंगा आपको भी ऐसे ऐसे फॉलो करना है, उसके बाद आपका फोन का MB बहुत बचने लगेगा। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिन सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका MB बच जाएगा। तो पहला सेटिंग जो है, हम क्या करते हैं, जब भी हमको टाइम मिलते हैं दिन भर हम इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आके एक के बाद एक इस तरह से जैसे देख पा रहे हो एक के बाद एक रील्स देखते रहते हैं। और शायद आपको नहीं पता, एक रील्स में आपका लगभग 15 से 20 MB खर्चा होता है। शायद आपको नहीं पता लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक रील्स देखोगे 15 MB या 20 MB आपको खर्चा होगा, जो हाई क्वालिटी में अगर प्ले होगा। तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आके एक सेटिंग बंद करना है। और इंस्टाग्राम पे कौन सा सेटिंग करना है आप ध्यान से देख लो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे आते हो, आने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे आके आपके प्रोफाइल पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप आपकी प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद प्लस साइन के साइड में 3 आंच रहेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इसी सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको दोस्तों क्लिक कर देना होगा। ओके, इसी सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक कर देने के साथ अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन आएगा। तो यहां पे अकाउंट सेंटर पे ढूंढोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो चलो मैं उसमें नहीं दिखाऊंगा। डायरेक्टली सर्च वाला सेटिंग आता है ऊपर देख रहे हो, तो आप डायरेक्टली सर्च वाला सेटिंग में डाटा सर्च करो। जैसे दोस्तों डाटा सर्च करोगे ना, तो आपको इजी प्रोसेस से मिल जाएगा डाटा यूजर्स एंड मीडिया क्वालिटी। जैसे देख पा रहे हो, तो आपको करना क्या होगा, डाटा यूजर्स एंड मीडिया क्वालिटी पे क्लिक कर देना होगा। ओके, इसमें जैसे दोस्तों आप क्लिक कर दोगे, उसके बाद यूज लेस डाटा, जो कि यही बहुत बड़ी सेटिंग है भाई आपका MB बचाने के लिए, तो आपको डाटा सेवर जो है इसको ऑन कर देना होगा। इसको जैसे ऑन कर दोगे, इसके बाद क्या बोला, व्हेन डाटा सेवर इज टर्न ऑन वीडियोस वुड नॉट लोड एडवांस टू हेल्प यू लेस डाटा। बोल समझ रहे हो, तो ये बोल रहा है कि अगर आप डाटा लेस डाटा सेवर को ऑन करोगे आपका MB इतना जल्दी खर्च नहीं होगा, यहाँ पे खुद बता रहा है। और ये सेटिंग बस इंस्टाग्राम पे इतना करना है, ठीक है। और ये हो गया इंस्टाग्राम का सेटिंग। उसके बाद दूसरा सेटिंग जो है आपको फेसबुक का, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं फेसबुक में आके न्यूज वगैरह देखते रहते हैं, फेसबुक वीडियो यहाँ पे वॉच का जो है ये वीडियो पे क्लिक करते हैं। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे वीडियो आ रहा है, एक के बाद एक वीडियो आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखो, एक के बाद एक वीडियो तो आ रहा है विथ फुल HD में आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यूट्यूब जो फेसबुक है, फेसबुक में भी जो वीडियो आते हैं ना उसमें भी आपका MB खर्चा होता है, जो कि ऑटोमेटिक वीडियो जो हमको जरूरत नहीं है वो भी ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका MB बहुत ज्यादा जाता है। तो आपको भी फेसबुक में भी एक सेटिंग करना है। और फेसबुक में ये सेटिंग करने के लिए सबसे पहले फेसबुक का प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। आप जैसे आपका फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसके बाद मीनू के साइड में एक सेटिंग मिलेगा जैसे देख पा रहे हो, तो इसी सेटिंग में आपको क्लिक कर देना होगा। इसी तरह से इसी सेटिंग में जैसे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा सेटिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस करके एक सेटिंग के साथ नीचे देख रहे हो मीडिया करके एक सेटिंग मिल जाएगा फेसबुक में, जैसे कि देख पा रहे हो। तो आपको इसी मीडिया पे क्लिक कर देना होगा। ओके दोस्तों, इसी मीडिया पे जैसे आप क्लिक कर देते हो, उसके बाद ऑप्टिमाइज आते हैं, उसके बाद डाटा सेवर जैसे देख पा रहे हो। तो आपको करना क्या होगा, अप टू यहाँ पे लिखा है यूज अप टू 40% लेस डाटा बाय रिड्यूसिंग वीडियो क्वालिटी, तो इसमें ये ऑन कर दो, ये बहुत ही जरूरी है। ये डाटा सेवर ऑन कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, जो भी वीडियो देखोगे फेसबुक में, जो वीडियो देखोगे वो हाई क्वालिटी पे वीडियो प्ले नहीं होगा, मतलब जितना MB खर्चा होना चाहिए था उतना नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो प्ले का, देख रहे हो, इसी ऑटो प्ले का नीचे देख रहे हो 3 नंबर पे नेवर ऑटो प्ले वीडियोस। तो आपको करना क्या होगा, इसी नेवर ऑटो प्ले वीडियोस पे सिलेक्ट कर देना है। तब क्या होगा, अभी ये दो सेटिंग फेसबुक पे करो, कर देने के बाद जो फेसबुक में आप वीडियो देखते हो ना, कोई भी वीडियो देखो अभी ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा है, जैसे कि देख पा रहे हो अभी रुक रुक के हो रहा है, और अभी यहाँ पे कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगा। जब मैं चाहूंगा जिस वीडियो को प्ले करना चाहूंगा उस वीडियो को प्ले करूंगा, तभी जाके वो वीडियो प्ले होगा।
मतलब कि ऑटोमेटिक वीडियो प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब कि आपका एमबी भी बच गया और उसके साथ साथ जो डाटा सेवर का वो भी आपने ऑन कर लिया। तो अभी मैंने आपको दो सेटिंग बताया, एक है इंस्टाग्राम का और दूसरा है फेसबुक का। अभी तीसरा जो सेटिंग है वो है यूट्यूब का। बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे अगर मूवी वगैरह देखते हैं तो यूट्यूब में भी दोस्तों एक सेटिंग करना है। तो आपको यूट्यूब ओपन करना है, ध्यान से समझो। अब जैसे ही आप यूट्यूब पे ओपन करोगे, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपका प्रोफाइल आएगा, इसी प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसी प्रोफाइल पे क्लिक कर देने के साथ यहाँ पे देख रहे हो जो कि नीचे बिल्कुल सेटिंग आता है, तो इसी सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, इसमें सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद देख रहे हो पहला सेटिंग जनरल, दूसरा है डाटा सेविंग। यहाँ पे भी YouTube में भी आपको दे के रखा है, तो आपको ये जो डाटा सेविंग है इसी दो नंबर वाला में क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे डाटा सेविंग मोड ये जो है ये ऑफ होगा, अगर आपको ये ऑफ है तो ऑन कर देना है, अगर ऑन है तो सही बात है। उसके बाद ये डाटा सेविंग मोड ये ऑन रखना ही है, तभी जाके आपका रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, जैसे देख रहे हो डिफॉल्ट सेटिंग रिड्यूस वीडियो डाउनलोड क्वालिटी, ये सारा का सारा आपका एमबी बचाएगा। उसके बाद नीचे देख रहे हो और यहाँ पे बस इतना ही इसमें सेटिंग करना है। उसके बाद वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस चार नंबर पे आते हैं, वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस इसमें क्लिक कर दो। इसमें जैसे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क्स आपका यहाँ पे ऑटो रहेगा, ऊपर रहेगा ऑटो, तो आपको करना क्यों होगा डाटा सेवर में कर देना है। डाटा सेवर में जैसे कर दोगे तो इसमें आएगा लोअर पिक्सर क्वालिटी, तो ये आपको कर देना है, बस यूट्यूब में इतना करना है। ओके, तो मैंने तीन सेटिंग बताया, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, जो कि इसमें ज्यादातर होते हैं। तो अभी और एक सेटिंग बताता हूँ, व्हाट्सएप का। भाई व्हाट्सएप का क्यों बता रहे हैं, व्हाट्सएप में कभी कभी ऐसे होता है आपको कोई ना कोई ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देने के बाद ऐसे ऐसे फोटो ऐसे ऐसे वीडियो जो मतलब हद से बाहर कर देते हैं, मतलब इतना वीडियो भेजते रहते हैं जो मतलब कोई काम का नहीं है, आपको कोई ना कोई ग्रुप में डाल देते हैं, उसमें वीडियो आते रहते हैं और ऑटोमेटिकली वीडियो डाउनलोड होते रहते हैं, आपका एमबी बैकग्राउंड में चले जाते हैं और आपको लगता है यार ये कहां से कहां आके फंस गया यार, व्हाट्सएप में किस ग्रुप में किसने डाला। तो आप इस वीडियो को देखो, ध्यान से देखते रहो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में दोस्तों आने के बाद आपको व्हाट्सएप में एक ट्रिक करना है। जैसे व्हाट्सएप में आ जाओगे दोस्तों, आप व्हाट्सएप में आ जाने के बाद आपका जो व्हाट्सएप का थ्री फुल स्टॉप है, इसमें थ्री फुल स्टॉप पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद इस तरह से सेटिंग मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग है। जैसे पहले दोस्तों आपको स्टोरेज एंड डाटा यहाँ पे सेटिंग में मिल जाता है, सॉरी इसी स्टोरेज एंड डाटा पे आपको नेटवर्क यूजेस इसमें क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ व्हेन कनेक्टेड, यहाँ पे व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा देख रहे हो, तो आपको ये सारा का सारा ऑन रहेगा, सारा का सारा ऑन रहेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो ग्रुप में आप होते हो ऑटोमेटिकली फोटो वीडियो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो एमबी है पूरा खर्चा हो जाता है। तो आपको करना क्या होगा, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा ये हटा लेना है, वीडियो हटा लेना है, डॉक्यूमेंट हटा लेना, फोटो तो इतना एमबी नहीं जाता है, फोटो रखना है सिर्फ, उसके बाद ओके कर देना है। ओके, ये सेटिंग आपको बहुत ही जरूरी है, ये सेटिंग आपको करके रखना है, ठीक है। ये व्हाट्सएप में करके रखो, उसके बाद जो भी व्हाट्सएप के आपके ग्रुप में डाले कोई भी वीडियो डाले, वीडियो डाउनलोड ही नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा तो आपका एमबी कैसे खर्चा होगा, अगर एमबी खर्चा नहीं होगा तो आपका नेट भी बच जाएगा। उसके बाद जो है आपको और दो सेटिंग बता रहा हूं, ये बोनस में बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो और एक सेटिंग बता रहा हूं आपको प्ले स्टोर पर करना है, और आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। वीडियो को ध्यान से देखो, आपको बहुत हेल्प होगा, आपको आपका प्ले स्टोर पर आके जो प्रोफाइल देख रहे हो इसी प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, और इसी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, मैनेज एप्स एंड डिवाइस मिलेगा, इसी मैनेज एप्स एंड डिवाइस में आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ओवरव्यू के साइड में देख रहे हो मैनेज, तो इसी मैनेज में क्लिक करना होगा। उसके बाद देख रहे हो सबसे पहले इंस्टॉल वाला ऑप्शन, तो इसी इंस्टॉल वाला ऑप्शन में क्लिक करो। उसके बाद आएगा नीचे नॉट इंस्टॉल, तो आपको नॉट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। नॉट इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके स्टोरेज में यहाँ पे जितना भी लगेगा ये बैकग्राउंड में आपका डाटा खाते रहता है, शायद आपको नहीं पता, जो कि नॉट इंस्टॉल पे दबा के आपको करना क्या होगा, सारा सिलेक्ट करना होगा, जो आपका काम का नहीं है वो सारा सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ध्यान से देखो, सारा सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर देख रहे हो हटाना है, ये डिलीट रिमूव आएगा, रिमूव कर देना है, ये बहुत ही जरूरी सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग कर देना है, प्ले स्टोर पे फिर से और एक सेटिंग करना है, जो आपका प्रोफाइल है प्रोफाइल पे क्लिक करके जो नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन देख रहे हो सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आएगा जनरल सेटिंग नेटवर्क प्रेफरेंस, तो आपको करना क्या होगा, नेटवर्क प्रेफरेंस का जो सेटिंग है इसी नेटवर्क प्रेफरेंस में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ऑटो अपडेट एप्स, जो कि कभी कभी ऐसे होता है आपका फोन का डाटा ऑफ करने के लिए आप भूल जाते हो, उसके बाद बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ऐप जो है डाउनलोड होते रहते हैं जो आपको पता ही नहीं होता है, उसके बाद आपका एमबी भी खर्चा होता है। तो आपको करना क्या होगा, ऑटो अपडेट एप्स में क्लिक करना होगा, आपका शायद रहेगा अपडेट ऑल एप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क मोबाइल डाटा में रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे नीचे चार नंबर का ऑप्शन जो है डो नॉट ऑटो अपडेट एप्स, इसमें आपको सिलेक्ट करके रख देना है। इसमें जैसे सिलेक्ट करके रख दोगे, इसका मतलब यह है कि आपका फोन में आप परमिशन के अलावा आपके अलावा कोई भी ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट होना बंद हो जाएगा। अगर अपडेट होना बंद हो जाएगा तो आपका एमबी भी बच जाएगा। तो बस ये सेटिंग यहाँ पे कर लेना है। और अभी आखिर ये जो सेटिंग है बोनस में बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सेटिंग है, ध्यान से देख लो।
यह सेटिंग क्या है, सिंपली जो आपका फोन का सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा, और फोन का सेटिंग पे क्लिक कर देने के साथ यहाँ पे बैटरी का एक सेटिंग मिलेगा। ध्यान से देखो, जैसे कि ये बैटरी का एक सेटिंग मिलता है, जैसे देख पा रहे हो हर किसी एंड्रॉइड फोन में बैटरी का सेटिंग मिलता है, जैसे मेरे यहाँ पे है, तो आपको इसी बैटरी पे क्लिक करना होगा। इसी बैटरी पे क्लिक कर देने के साथ यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन देख रहे हो, इसी सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद एक सेटिंग मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग, जैसे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आ रहा है टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक, तो ये शायद आपका नेवर रहेगा। तो ये नेवर से क्या होगा, जैसे आप रात को मोबाइल डाटा ऑन करके सो जाते हो तो कभी कभी आप डाटा को ऑफ करने के लिए भूल जाते हो, तो ये क्या होगा, इस सेटिंग से टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन ऑफ इन 5 मिनट कर दो। अगर आपने बैकग्राउंड में मतलब मोबाइल का स्क्रीन ऑफ कर दिया, रात को सो गया और डाटा ऑफ करने के लिए भूल गया, उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप जो है 5 मिनट के बाद आपका डाटा बंद हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आपका एमबी भी बच जाएगा। तो ये था आज का बहुत ही जबरदस्त ऐसे कुछ सेटिंग, जो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये कुछ सेटिंग पसंद आया और वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को जितना आगे हो सके इतना शेयर कर देना ताकि सबको मदद करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।